आज की रेसिपी में हम लोग सीखेंगे कि गुजिया या फिर पिरिकिया कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करके रख लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा, और उसमें थोड़ा हम रिफाइन ले लेंगे, और वो अच्छे से अगर एक डो तैयार कर लेंगे। और इस आटे को कुछ देर के लिए, कम से कम 20 मिनट के लिए, हम साइड ढककर रख देंगे। अब एक साफ़ प्लेट लेंगे या थाली, और उसमें घर का बना हुआ मावा लेंगे, जो कि फ्रेश होता है, और घर का मावा और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है इस पिरिकिए में। और इस मावे में हम फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे भुना हुआ सूजी, और साथ में हम मीठा के लिए ऐड करेंगे चीनी को मिक्सर में पीस कर, उसमें 4-5 हरी वाली इलायची को भी डालकर साथ में पीस लेंगे। अब ये सबको अच्छे से तीनों चीज़ को मिक्स कर देंगे, जिससे जो चीनी का जो वाइट वाला कलर है वो पता ना चले, और खोवा और सूजी में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो हमारा अब ये मिक्सचर तैयार हो गया है अच्छे से, बिल्कुल चीनी नहीं दिख रहा है, रेडी है अब ये फिलिंग के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पिरिकिया बनाना। तो उसके लिए एक प्लास्टिक का शेपर आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल हो जाता है, या फिर हाथ से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने शेपर का ही यूज़ किया है, तो आप उस शेपर या फिर ढांचा भी बोलते हैं, 10-20 रुपए का मार्केट में अवेलेबल होता है, तो हम लेकर उससे इजली बना लेते हैं। तो अब ये आटे को थोड़ा गोल गोल पेड़े की तरह हम ले लेंगे, और इसको अच्छे से बेलेंगे, जैसे समोसे बनाने के लिए हम बेलते हैं उसी तरीके से। थोड़ा मोटा रखना है, एकदम पतला नहीं करना है, उस तरीके से बेलेंगे। तो ये हमारा आटा बेलकर अब अच्छे से तैयार हो गया है। तो हम पहले एक बार देख लेंगे कि हमारा जो सेपर है उसका साइज क्या है, उस हिसाब से हम अपने आटे का साइज रखेंगे रोटी का। तो ये पूड़ी का शेप का हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे हम जो ढांचा है उसमें थोड़ा सा तेल या रिफाइन लगा देंगे, जिससे वो आटा चिपकता नहीं है। फिर जो हमने अभी स्पून की मदद से, और उसके बाद आटे में इसको चिपकाने के लिए हम पानी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे हमारा वो उखड़ेगा नहीं, अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, उंगलियों की मदद से अच्छे से इसको दबा देना है, जिससे कि वो अलग ना हो जाए, कबड़े ना। तो ये हमारा इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है पिरिकिया। तो इसी तरीके से हम सारे को बना लेंगे। फिर हमारा जो तेल है कढ़ाई में, वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें एक एक करके पिरिकिया को डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो हाई फ्लेम होना चाहिए, धीरे धीरे हम इसको मीडियम फ्लेम पे लाकर फिर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे। तो अब धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। तो अब देख लेंगे कि एक अच्छे से दोनों साइड पक तो गया है ना, कभी कभी क्या होता है कि पीछे का साइड रह जाता है, तो देंगे उसके बाद बाहर निकाल लेंगे।